अस्सलामु अलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे तला हुआ गोश्त की रेसिपी। तला हुआ गोश्त की रेसिपीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से तलते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले ली कुकर, चढ़ा ली मैं गैस पे। अब हम मटन ले लेंगे, सात सौ ग्राम मटन को धो के ले ली मैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, डेढ़ स्पून जितना। हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा स्पून से भी कम। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे दो स्पून। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। नमक डाल देंगे वन स्पून से थोड़ा बढ़ के। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। धनिया पाउडर डाल देंगे वन स्पून। जीरा पाउडर डाल देंगे वन स्पून। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे वन स्पून। अब हम इसमें डेढ़ ग्लास जितना पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको कुकर का ढक्कन लगा के गोश्त गलने तक पका लेंगे। चलिए अभी चेक कर लेंगे। ये देखिए गोश्त में का पानी पूरा सूख गया। मिक्स करके देख लेंगे हम। ये देखिए अच्छे से पूरा पानी ड्राई हो गया इसमें का। अब ये कुकर को हम साइड में रख के दूसरा बर्तन चढ़ा लेंगे हम गैस पे। पैन गरम हो गया। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। गोश्त तलने के लिए थोड़ा तेल ज़्यादा ही लीजिए आप। तेल गरम हो गया। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे जो गला के रख लिए थे हम कुकर में। अच्छे से मिला लेंगे हम तेल में डालने के बाद में। जो कुकर में मसाला था उसमें थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से मिला के वो पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। दस बारह दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और रेसिपीज आप लोगों को कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ देर हम तेल में भुनने के बाद में हरी मिर्च को चीर के डालेंगे। दो हरी मिर्च ली मैं स्लिट करके। बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहना, तो दाग लग जाता। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए आप, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको आप दाल के साथ या फिर खाली इसी तरह से भी गोश्त को आप तल के खाने के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं।
अब हम इसमें कोथमीर और करियापक डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे हम इसको। पूरा ड्राई होने तक भून लेना, हमें इसको तेल में फ्राई कर लेना। अगर आपको इसी तरह से चाहिए तो आप इस स्टेज पे नींबू का रस डाल के कुछ सेकेंड्स के लिए पका के स्टोव ऑफ कर दीजिए। नींबू का रस डाल दी मैं, एक नींबू का रस ले ली मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर तक पका लेंगे हम इसी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए। रेडी हो गया ये तलावा गोश्त, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है ये। चलिए गार्निशिंग कर लेते हैं। डिश आउट कर लेंगे हम। तो ये थी आज की रेसिपी, हैदराबादी स्पाइसी तला हुआ गोश्त। अगर पूरी रेसिपी देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत अच्छे से भी गल गया था गोश्त ये देखिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।